ये चेयर पे जो भी आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत है। So, आज हम आ चुके हैं थ्रेडिंग की वीडियो के साथ। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और कमेंट में ऐसा कहा गया है कि नॉर्मल चेयर पे थ्रेडिंग बना के दिखाएं। तो आज हम नॉर्मल चेयर पे थ्रेडिंग बना के दिखाते हैं कि नॉर्मल चेयर पे भी आप वर्क कर सकते हैं। कि चेयर कौन सा है ये मायने नहीं रखता है कि चेयर कौन सा नॉर्मल है या फिर आप ऐसे चेयर पे वर्क कर सकते हैं और आप इस चेयर पे भी वर्क कर सकते हैं लेकिन आपका वर्क करने का तरीका क्या है और आप कितना प्रैक्टिस किए हैं उस पर निर्भर करता है कि आपकी थ्रेडिंग का शेप कैसा जाता है। तो आज हम करते हैं नॉर्मल चेयर पे, जैसा कि वीडियो में डिमांड है। तो आई होप आपके डिमांड के अनुसार ये वीडियो हम लोग बना पा रहे हैं। तो वीडियो को एंजॉय करिए। अभी बुलाएंगे, बैठिए। तो मुझे मैन से बनवाना है। अच्छा ठीक है, बैठिए, अब मैन को बुला दीजिए। अब मैं तो बुला दीजिए। अच्छा ठीक है, बैठिए, मैं बुला रही हूँ। अब मैम को बुला दीजिए। ठीक है, पाउडर तो लगाने नहीं दीजिए, पाउडर लगा दे रहा है, उसके बाद बुला दे रहा है आपको। मैम वो आप ही से सर्विस लेंगे, बात कर ठीक है। दो मिनट वेट करिए, वो अभी आ रहे हैं। तो अगर आपके पास चेयर नहीं है, आप थ्रेडिंग वगैरह जानते हैं, तो आपके सबके घर पे नॉर्मल चेयर होती ही है, तो आप उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैम आप इसका सिर रखिए एक मिनट। आप सारे लोग प्रयास कर लीजिए कि इमरजेंसी में आप लोग भी वर्क कैसे कर सकते हैं। अगर कहीं गए हुए हैं, रिलेशन में आप कहीं गए हैं और आप चेयर लेके तो जाएंगे नहीं, कहीं वर्क करने जा रहे हैं, होम सर्विस देने जा रहे हैं, तो आप अपनी चेयर लेके जाएंगे नहीं। तो वहाँ पे जो चीज़ आपको मिल जा रही है, जो भी चेयर मिल जा रहा है, सोफा मिल जा रहा है, तो उस पर आप क्लाइंट को बैठा के कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास अटेंड कर लीजिए। तो आपको चश्मा लगा लेना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से दिखाई देना चाहिए आपको, क्योंकि शेपिंग में आईब्रो का शेप ऐसा, आईब्रो ऐसी चीज़ है ना, थोड़ा सा अप डाउन होगा तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा फेस। सबसे पहले सबकी नज़र आई पे ही जाती है, तो आईब्रो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको अच्छे से दिखे। तो अगर आपको देखने में परेशानी है तो चश्मा ज़रूर यूज़ करें, ऐसे ना आप यूट्यूब पर ना चलाएं थ्रेडिंग पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैम को कैसा थ्रेडिंग चाहिए। ठीक है, तो मैम आपको कोई अपना डिमांड है कि किस तरह से आपको लुक चाहिए? नहीं, यस मैम, मेरे को पतला नहीं, बस चौड़ा चाहिए। चौड़ा चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैम ने कहा कि इनको चौड़ा चाहिए, तो हमें क्या करना है कि मैम की सेटिंग हुई है, बस देखना है कि एक्स्ट्रा हेयर क्या है, बस जो एक्स्ट्रा है ना उसी को रिमूव करना है। ठीक है, बस एक्स्ट्रा हेयर, और यहाँ से इस तरह से हमें स्किन को ऊपर की तरफ खींचना है, और यहाँ बिंदी पॉइंट पे यहाँ के आईब्रो जो होते हैं थोड़े से ऊपर की तरफ खड़े खड़े होते हैं, बस उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देना है ऐसे करके।
जितनी ज़रूरत हो ना उतना ही करना है, क्योंकि चौड़ा देना है तो यहाँ पे ज़्यादा कट करेंगे तो वहाँ पतला हो जाएगा, तो उसी के अनुसार आपको काफ़ी चीज़ों को पतला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको चौड़ा ही रखना है। और आईब्रो का शेपिंग भी ऐसे ही होता है कि इन कॉर्नर में आपका चौड़ा होता है, आउट में धीरे धीरे पतला हो जाता है। तो मोस्टली हमें यहाँ पे चौड़ा रखना है, फिर यहाँ पतला करना है उसके शेप के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है और फिर थ्रेड लेना है। थ्रेड लेने का तरीका आप लोगों को पता है, शर्ट में रखना है और ये लेफ्ट हैंड में रखना है। अगर आपका लेफ्ट आप लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं तो आपको ये राइट में रखना है और लेफ्ट में इसको सर्कल करना है, ठीक है। अगर आप राइट से करते हैं तो आपको राइट में इस तरह से सर्कल करना है, ऐसे। क्लियर? इतना तो आप लोगों को आता ही है। यस मैम। और आप लोगों को भी आता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे रखना है और अब हमें स्टार्ट करना है ना बिंदी पॉइंट से। ये बिंदी पॉइंट को क्लीन किया, जितना चौड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग बस ये, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कोई आएगा, आप चाहें तो बैंड लगा के इस बेबी हेयर को होल्ड कर सकते हैं या फिर किसी का हेल्प लीजिए, इस तरह से होल्ड कराइए इस साइड से ही ऐसे, ठीक है। ये और यहाँ पे शेप को समझना है, यहाँ से ये बस आपके एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है फिर यहाँ से डाउन हो जाना है। तो ऐसे रखा, ये रख दिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं हेयर को निकालते हुए। ये आईब्रो का कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट से हमें नीचे की तरफ डाउन जाना है, ठीक है। एकदम सीधा सा फंडा है, इनसे आईब्रो के कॉर्नर तक आपको ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ से आईब्रो पॉइंट से डाउन नीचे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर दिया और यहाँ पे यही चीज़ ध्यान दे रहा है कि मतलब आपको जितना एक्स्ट्रा है ना बस वही निकालना है। जैसा कि हेयर का डिमांड है ना, चौड़ा चाहिए और इनके आईब्रो बनी भी है, शेपिंग क्लियर है, बस जो एक्स्ट्रा हेयर है उसी को रिमूव करना है। तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पे आईब्रो पॉइंट जो है यहाँ पे हैंड से टाइट करवाएंगे, पहले ऊपर का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद मैम से बोलेंगे, मैम आप अपना हाथ दीजिए और यहाँ से नीचे की तरफ टाइट कीजिए। तो जितना हम नीचे की तरफ खींचते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब स्किन हमारी ऊपर की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नीचे अगर हम नीचे ज़्यादा खींचेंगे तो ये छोटे छोटे जो बेबी हेयर है इस पर वो छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी थ्रेडिंग बहुत अच्छे से प्रॉपर बनेगी। यहाँ से रखें और यहाँ इन कॉलर से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वही प्रोसेस यहाँ भी है जैसे ऊपर था, इन कॉलर से ऊपर की तरफ आए और आईब्रो के कॉलर पॉइंट तक जाएंगे और यहाँ से फिर नीचे की तरफ डाउन जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। अब पहले आप लाइनिंग कर लेंगे शेप की और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको रिमूव करेंगे। तो अभी हमारी आउट लाइनिंग हो चुकी है और इसको रिमूव कर दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ रहा है। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। एक थ्रेडिंग हमारा बन चुका है, ठीक है। हाथ से दिखाइए, दिख रहा शेप? अब ऐसे छोड़ दिया जाए आपको? थ्रेडिंग बनने से एकदम लुक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं बनवाते हैं तो थ्रेडिंग बनवाना शुरू कर दीजिए। हेयर्स हमारे फेस पे आ चुके हैं, उसे अच्छे से क्लीन कर देना है। ऐसा वेट नहीं करना है
कि सारा बना लेंगे तब क्लीन करेंगे। एक बनाइए, जितना हेयर स्पेस पे आए हैं उसको क्लीन कर लीजिए, नहीं तो आपके क्लाइंट को क्या होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है, हर तरह से आपको कंफर्टेबल फील कराना है क्लाइंट को, तो जितना आया उसको क्लीन कर दीजिए, उसके बाद से फिर आप आ जाइए सेकेंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे वो हेयर की ग्रोथ ऐसे है ना, उल्टे डायरेक्शन में है, इधर से इस डायरेक्शन में है, तो हमें आगे खड़ा होना है क्योंकि हम बनाते हैं उल्टे डायरेक्शन से। तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर था तो हम पीछे की तरफ खड़े थे, और इसका डायरेक्शन इस साइड है तो हम आगे की तरफ खड़े हो रहे हैं। समझ में आ रहा yes, इसमें कोई डाउट है मैम? नहीं। तो यहाँ खड़े हो गए और इस तरह से इसको फिर से मॉइस्चराइजिंग हटा लिया यहाँ से। ये यहाँ से ये कॉर्नर है और यहाँ से डाउन कर दिए। लाइन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप चाहें तो फोर हेड भी बना सकते हैं, तो साथ में ही फोर हेड क्लियर कर सकते हैं इसे। अब ऊपर साइड का बन चुका, फिर ऊपर की तरफ से खींच देंगे और नीचे से होल्ड कराएंगे। स्किन पूरी अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए, और जब स्किन को टाइट पकड़ लेंगे फिर आपको जब धागा चलाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ये स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है और लाइन बिल्कुल क्लियर करना है सीधा। जब लाइन क्लियर होती है तो फिर लुक बहुत अच्छा आता है, फिनिशिंग दिखाई देती है वर्क में। लाइन नहीं क्लियर होती है तो फिर आईब्रो बना हुआ समझ में आता नहीं है। ऐसे लिया, शेपिंग कर लिया और फिर क्लीन करेंगे। शेप हो चुका है और इसको क्लीन करना है। दोनों साइड की थ्रेडिंग बन चुकी है, उसके बाद हमें फिर से बिंदी पॉइंट पे आना है और यहाँ से बीच से होल्ड करना है। आप इधर आइए, यहाँ स्किन को होल्ड करना है और फिर ये लाइन और ये लाइन दोनों को एक साथ मिलाना है, बिल्कुल सीधा करना है। जिस दिन आप लोग ये लाइन मिक्स करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप समझ सकते हैं कि आप परफेक्ट थ्रेडिंग बना ले रहे हैं। ठीक है, जब ये लाइन बिल्कुल मिक्स रहता है और लाइन बिल्कुल सीधा क्रिएट रहता है तो दिख जाता है कि ये आईब्रो बना हुआ है और शेपिंग अच्छी है, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, एकदम हाई लेवल की फिनिशिंग आती है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को लाइन मिलाने में अब करनी है। ठीक है, ऐसे किया, बिल्कुल लाइन सीधा किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये धागे को ऐसे क्रॉस पे रखना है, इधर से खींचना है ऐसे बिंदी पॉइंट पे, फिर इधर से क्रॉस में रखना है, इधर से खींचना है। यहाँ पे भी सीधी लाइन क्रिएट करनी है, बिल्कुल यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा, ये सीधा और फिर ये सीधा। ठीक है, ये सीधा, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देना है। ठीक है, ये बिंदी पॉइंट एक बॉक्स की तरह होना चाहिए, ये सीधा और ये, ठीक, ये बिंदी पॉइंट होगा। थ्रेडिंग के साथ फॉरहेड भी बना देना चाहिए, इससे लुक एक्स्ट्रा रहता है। धागा टूट गया तो यहीं से नहीं लगा लेना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है पता है? तोड़ना, क्या
मिनट आगे क्यों तोड़ देना है? आगे क्यों तोड़ देना है आपको? इसलिए कि अभी जो हम ये बना रहे हैं, ये धागा हमारा स्किन को टच कर रहा है, ठीक है? Yes. और दूसरे स्किन को टच किया हुआ है, फिर हम उसी धागा को यहीं से टूट गया और इसी धागे को फिर हम मुँह के अंदर रखेंगे तो इन्फेक्शन होगा, आप बीमार हो जाएंगे, फिर दोबारा आपको सर्विस कैसे देंगे आप? नहीं दे सकती ना। तो सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये हम लोग तोड़ दिए और तोड़ के फिर से दोबारा न्यू स्टार्ट कर लिए। धागा टूटता ही है, पहला रीज़न तो ये होता है कि जब एक अभी हम पूरा थ्रेडिंग बना लिए अभी टूटा है, तो जब ज़्यादा देर तक इसको यूज़ करते हैं ये बार बार रगड़ इसमें पड़ रहा है ना, प्रेशर पड़ रहा है तो ये कमज़ोर पड़ता है तो वो टूट सकता है, टूट जाता है अक्सर ज़्यादा। तो आप लोग अभी बिगनर्स हैं तो आप लोग कहाँ पर कितना प्रेशर देना है, कितना ढीला रखना है, ये आप लोगों को पहले सभी नहीं आ रहा, तो इसलिए कहीं ज़्यादा तेज़ खींच जा रहा है, मार टूट जा रहा है, कहीं एकदम लूज कर दे रहा है, तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर लपेट के ऐसे हो जा रहा, चढ़ जा रहा ऊपर, है ना? तो ऐसा भी होता है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस पे क्लियर होता है। तो प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। तो मैम का थ्रेडिंग बन चुका, अब थ्रेडिंग बन चुका, उसके बाद अभी धागा नहीं टूटा लेकिन हम इसको रखेंगे तो इसको तोड़ के रखेंगे, ठीक है? तोड़ के इसको प्रेस रखेंगे, फिर आप जब यूज़ करने जाएंगे ना तो ये तोड़ के रखा हुआ डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, फिर इसको निकाल देंगे, तोड़ देंगे और फिर यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है? थ्रेडिंग बन चुका, अब क्या करना है, फिर से क्या करना है कोई बताएगा? क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद मैम को अच्छा सा मसाज देना है ताकि जितना पेन हुआ ना वो सारा रिलीज हो जाए और मैम बिल्कुल हैप्पी होके यहाँ से जाए, ठीक है? उसके लिए आप स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं या फिर जेल ले सकते हैं, मैम के स्किन पे जेल जाएगा, ठीक है? मॉइस्चराइजर नहीं जाएगा, क्यों? स्किन ऑयली है तो जेल लेकर आया जाए। तो ऑयली स्किन वालों को आपको स्किन जेल अप्लाई करना है, मॉइस्चराइजर या फिर सीरम नहीं लगाना है, ठीक है? Yes, आप स्किन सेंसिटिव है और ज़्यादा स्किन ऑयली है तो आप आफ्टर सेव लोशन भी नहीं लगा सकते, सबसे बेस्ट आपका जेल होगा। तो जेल आपको लेना है इस तरह से फिंगर टिप पे और लगा देना है पूरे फोरहेड पे, आईब्रो पे और ये आई बॉल पे भी, ठीक है? ये एरिया पूरा आप ले लीजिए और हल्का 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 मसाज दीजिए, ऐसे तो नींद आ जाएगा मैम मसाज। तो ज़रूरी है ना, आपने थ्रेडिंग बनाया जब ये हेयर खींचते हैं तो दर्द होता है, उसके बाद जब मसाज कर देंगे तो आपके क्लाइंट को रिलीफ मिल जाएगा, अच्छा लगेगा, तो फिर दोबारा आपके पास आएंगे कि कहीं और जाएंगे? नहीं, आपके पास आएंगे। आएंगे? यस मैम। इस तरह से मसाज देना है, ठीक है? यस मैम। आप लोगों को मसाज स्टेप तो याद होगा? यस मैम। फेशियल में जो देते हैं? यस मैम। वही आपको स्टेप देने हैं आईब्रो का, जब शेपिंग करते हैं उसके बाद आईब्रो मसाज में, ठीक है? यस मैम। और हाथ बिल्कुल हल्का होना चाहिए और बहुत अच्छे से आपको मसाज देना है ताकि एकदम पेन खत्म हो जाए और मांसपेशियां बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स करें, ठीक है? Yes. ये रहा ना? Yes, ma'am. तो ये थ्रेडिंग हमारा बन चुका, मसाज भी हो गया, आप देख सकते हैं। कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो हमारी थ्रेडिंग बन चुकी है और पूरा चेयर के साथ क्लाइंट के साथ आपके सामने है और पूरा वीडियो उन्होंने शूट किया, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा।
आप देख लीजिए जरा अपना आर्टो। थैंक यू मैम। ठीक है ओके जी। इसे इसके में पहनना है। यस।